भाई आ गए इसकी स्ट्रीक रिंग करवाने के लिए यहाँ पे ये रही शॉप। हाँ, यही 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 ये देखो भाई, पहचान लो इसको, इसी से तो काले हो गए ये वाले। और ये भी लगते हैं यहाँ पे भाई से लगवा लिया मैंने। जब भी उतरते थे ना तो यहाँ पे पैर लगते थे और स्क्रैच लग जाते थे। आप सभी, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF Explorer। दोस्तों मैंने आपके लिए एक और नई वीडियो जो आपके थोड़ी बहुत तो काम जरूर आने वाली है और थोड़ी बहुत ये वीडियो इंफॉर्मेटिव भी रहने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज आपको दिखाने वाला हूँ जो अगर आप अपनी नई कार ले रहे हैं तो उसके अंदर आप जरूर करवा सकते हैं। और अगर आप अपनी कार के अंदर कुछ स्टिकर्स इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या रहनी चाहिए या क्या साइज होना चाहिए या किस तरीके से बननी चाहिए या किस तरीके से वो बनते हैं, वो सारी चीजें आज मैं इस वाली वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि स्टिकर के इंस्टॉलेशंस और जो छोटे मोटे गैजेट्स होते हैं जो कार के अंदर लगवाते हैं हम लोग, जो एसेसरीज जिनको हम कहते हैं, वो थोड़ा ध्यान से अगर लगवाया जाए तो ज्यादा सही रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो वो छोटी सी चीज आपकी कार की लुक को काफी ज्यादा खराब कर सकती है। इसीलिए मैंने भी रिस्क नहीं लिया था जब एसेसरीज परचेज करी थी। पहले एक वीडियो आपने देखी होगी एसेसरीज की, तो कुछ एसेसरीज अपनी कार में इंस्टॉल करवानी है और कुछ स्टिकर्स लगवा रहा हूं अपनी कार में। और आई होप आपको इस वाली वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। बाकी अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से रिलेटेड काफी सारी हेल्पफुल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं स्टिकर वाले भैया की शॉप पे और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। भाई आगे इसकी स्ट्रीक रिंग करवाने के लिए यहाँ पे ये रही शॉप, चलते पहले अंदर क्या सीन है देखते। और परवीन भाई क्या हाल है तुम्हारे? बस बढ़िया यार, हमारी गाड़ी पे स्टिकर लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, देख लो एक बार साइज वगैरह नापोगे क्या करोगे उसका क्या वगैरह तो ले लेंगे, पहले जो है डिजाइन सेलेक्ट कर लो। तो वही है हमारा तो पुराने स्टिकर, एक हिंदू वाला, वो एक NF Explorer पुराने सदाबहार। चलो आप निकाल लो एक और। हाँ ये रहा ना हिंदू वाला। तो ये करते कैसे हो यार? हाँ मतलब जो ज्यादातर बाइकों पे लगते होंगे, गाड़ियों में लगते होंगे, बने रखे रहते हैं। ये हिंदू वाला वही है ना जो मैंने बनवाया था? भाई बहुत टाइम लगाता है इस वाले स्टिकर को बनवाने के लिए। यही भाई हैं जिनसे मैंने वो सारे स्टिकर बनवाए थे, वो टावर वावर वाले का है जिसमें वो बैटरी फुल परसेंटेज। हाँ, यही 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 ये देखो भाई, पहचान लो इसको। मतलब इसका मतलब तो कोई भी स्टिकर बनवा लो यार। और ये प्रिंटर है, अच्छा प्लॉटर कहते हैं इसे, प्रिंटर तो वो होता है ना इसमें कार्टेज वगैरह लगती है। भाई अभी ये जब काम करेगा ना मैं दिखाऊंगा, बड़े अलग ही तरीके से काम करती है मशीन। आपने नहीं देखी तो आपको काफी मजा आएगा। अभी थोड़ा सा रुको, पहले भाई को डिजाइन बनाने देते हैं यहाँ पे। सो भाई ये हिंदू के लिए लगाया जा रहा है क्योंकि ऑरेंज कलर है। तो इसका साइज क्या रखोगे भैया? साइज इसका स्टैंडर्ड साइज रख लेंगे, ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा नहीं। हाँ ज्यादा छोटा भी कार पे। पहले वाला भी यही साइज था ना? यही था, सही है। लंबाई चौड़ाई सब बढ़िया लग रही है। भाई देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि स्टिकर को बनाने के लिए। दो बनाने साइड हो गए। हाँ एक बनाना है पीछे का, एक बनाना है पीछे का, एक बनाना है फ्रंट का। एक हो गया फ्रंट, फ्रंट के लिए जो है वो लगाएंगे ऊपर नीचे करके। हाँ ऊपर नीचे करके साइज होगा इसका जो है। देखो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना उसके अकॉर्डिंग है। दो लेटर इधर, दो लेटर इधर। हाँ ठीक। फिर उसके बाद में ये स्पेस वाला आ गया, ये स्पेस वाला आ गया। ठीक ठीक। चार के ऊपर चार सही बैठेगा। वैसे NF Explorer जैसे उस पे लिखा हुआ ना अपनी KUV 100 पे, उस पे लोगो ऊपर आ रहा है, वो सही है। भाई यहाँ पे ये हिंदू वाले स्टिकर की कमांड भैया ने दे दी उसके अंदर, तो कैसे वर्क कर रहा है पूरा प्रॉपर स्टिकर बनाता है ये प्लॉटर। हो गया फाइनल, इसके बाद का प्रोसेस होता है ये वाला।
ये टेप किस लिए काम आती है? प्रॉपर तरीके से लग जाए, इसलिए प्रॉपर तरीके से बिना सलवट के बिल्कुल सुरक्षित उठाने के लिए इसको। अच्छा, इस पे साथ आने के लिए ये इसके साथ ऐसे निकल के आ जाता है। ये सही है, पहले हमने इसी को काट काट के पूरा प्रॉपर बना के रखा हुआ था। अब इसको कार पे लगाए पहले चल के। आओ, आ गए भाई अपनी कार के पास। ये रही कितनी धूल हो गई यार यहाँ पे। ये रहा अपना हिंदू वाला स्टिकर, चलो यही लगा दो। लग गया भाई हिंदू वाले स्टिकर। अब दूसरे बाकी बच्चे भी स्टिकर भी लगवा लेते भाई से, बनवाते पहले उनको। अब ये रहे भाई NF Explorer वाले। आवाज कैसे करता है इसमें? ब्लेड होता है क्या होता है? ब्लेड होता है। बन गए यहाँ पे NF Explorer वाले स्टिकर। जितना ही वीडियो में इजी लग रहा उतना इजी होता नहीं है। वो समय और था, एक्सपीरियंस चाहिए। अरे उस समय तो हाथ से बनाते थे सारे स्टिकर। हाँ, वो ब्लेड से काट काट के। सब याद है मुझे भाई, भूला नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये रेड वाला साइन के लिए, इस वाले के लिए। अब बनेंगे भाई यूट्यूब के लोगो। बन गए भाई स्टिकर यहाँ पे अपने। अब चलते हैं कार के पास। लग गया भाई NF Explorer साइड में। मैं लगाता था ना वो टेढ़े मेढ़े हो जाते थे यार। किसी कोई कहीं से ऊपर हो जाता था, कभी कहीं से ऊपर। नहीं, अब तो नहीं होगा भाई, एक्सपर्ट्स जब ही तो बोला जाता है। एक्सपीरियंस से ही तो एक्सपर्ट बनते हैं। अभी लोगो लगाए नहीं है, ये रहे NF Explorer वाले सारे। नाइस, लग गया भाई यहाँ पे भी स्टिकर। बढ़िया बढ़िया भाई, थोड़ा नीचे। हाँ, इसी में ठीक है। लग गया भाई NF Explorer। ये हिंदू कैसा लग रहा है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है। चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मैंने पीछे, देखो। जातिवाद खत्म भी तो करना चाहिए। कब तक ये चार्ट गुजर लिखवाते रहेंगे? चारों तरफ से NF Explorer। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, इधर इधर इधर, बस सीधा आप ऊपर से देख लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लग गए भाई सारे स्टिकर्स। अब एक काम और बचा, उसके शीशे काले करवाने पीछे के, इधर इधर वाले क्वार्टर पैनल सारे नहीं। ये भी एक दिक्कत रह गई अपने लोगो में, जो ये ऊपर वाला लोगो था ना NF Explorer का, ये वाला। इसमें जो व्हाइट वाला है काफी बड़ा हो गया, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ना। रियल में दिखाता हूँ कितना बड़ा, बड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा वो बीचों व्हाइट कलर का, वो छोटा करवा रहा हूँ, थोड़ा और सा लग रहा है। हटा दिया तो ये था काफी बड़ा सा, अजीब सा लग रहा था यार। ये लो हो गया छोटा। रेड प्ले बटन, हाँ सही लग रहा है वैसे तो। लेके चलते हैं ना इसको, बस ये कवर हो जाए पूरा यार, बड़ा ऑड लग रहा है। हो गया, अरे हो गया यार, हल्का सा इधर, हल्का सा इधर। हाँ सही, थोड़ा सा हल्का सा नीचे, हल्का सा। बस बस बस, ये क्या पर है? ये नया लुक है टंकी के ऊपर, बाल का स्टिकर है। ये मोस्टली बुलेट पर रखा है ये आजकल, मॉडिफाई कराए हैं। ये मैंने काफी देखा रील में चल रहा है, तो ये बुलेट में लगता है मोस्टली। बुलेट का साइज है इसका, बट ये है कि स्प्लेंडर में तो कुछ भी लगा दो सब मॉडिफाई हो जाता है। हां, स्प्लेंडर तो सदाबहार है, यूनिवर्सल बाइक है यार। मार्केट में भी कितनी नई नई चीजें आती रहती है। भाई ये जाएगा कहाँ तक? अच्छा यहीं तक रहेगा ये। ये तो ऐसे भी बढ़िया लग रहा है, ऐसे ही रहेगा। कुछ और भी होगा इसमें? इसके ऊपर अब लैमिनेशन होगी, इसके ऊपर इसकी जो ग्लॉसी है साइन वाली। अच्छा, जब साइन आएगी तो। ये तो पूरी ब्लैक वाली है, स्मोक ब्लैक जो आता है। मेरे वाला की ट्रांसपेरेंट वैसी वाली करो। अरे इसके बाद देखना इसका लुक, इससे भी ज्यादा मस्त अब रहने वाला है ये फिनिशिंग के साथ। हो गई भाई लैमिनेशन,
अब देखा भाई मैजिक। अरे वाह, पहले मुझे समझ में नहीं आया था कर क्या रहे भाई, अब देखो क्या मस्त लग रहा है। नाइस। लो भाई क्वार्टर पैनल भी ब्लैक करवा दिया पूरा, स्टिकर भी लग गए, ये भी ब्लैक हो गया। अभी एक दो काम और बच रहा है भाई, वो सारे कराने हैं आज, इसको क्लियर कराना पूरा है। छोटी छोटी चीज़ होती है जो हम सोच के बैठ रहे थे करवाने के लिए, बट हो नहीं पाती है, तो लगे आ तो ये भी पूरा ब्लैक। अभी इस भाई को लगाने देते हैं इसको, फिर देखते हैं होने के बाद कैसा लगेगा। यार कोई भी काम करवा लो कितनी मेहनत लगती है, ये जब कोई बंदा करता है जब पता लगता है। अभी भाई ब्लैक करने में लगे हैं शीशों को, देखो पहले उनको काटो, फिर शीशा धो, फिर उसको साफ करो, फिर फिल्म पे पानी मारो, फिर फिल्म को चढ़ाओ उसके ऊपर। भाई शीशे तो काले हो गए ये वाले, और ये भी लग गए यहाँ पे, भाई से लगवा लिया मैंने। अब थोड़ी लुक्स ही बन गई कार की, अभी इधर के भी लगेंगे। ये ऐसा लग रहा है यार, ये बताओ बस। नाइस। हो गई भाई ये वाली साइड भी फाइनल। अभी एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी लेमिनेशन करवा लूँ, कोई उतरता है चढ़ता है तो यहाँ स्क्रैच लगता है। पहले ये वाला काम खत्म होने देते हैं, एक एक करके दिमाग में काम आ रहा है यार। सो उसके बाद इसे देखता हूँ, करके अच्छे लगे तो यहाँ पे भी मैं ब्लैक कलर की फिल्म लगवा दूंगा, जिससे कि स्क्रैच जो लगे वो फिल्म पे लगे, कार पे ना लगे। यार बड़ा बेकार लगता है ये NF एक्सप्लोर वाली ब्रेजा लग रही है अब ये थोड़ी थोड़ी। अच्छा भाई ये लगवाई है यहाँ पे ब्लैक कलर की फिल्म, फिल्म नहीं से तो स्टीकर ही बोलेंगे है ना। काम बड़ा जोर का करती है भाई। हाँ मतलब जब भी उतरते थे ना तो यहाँ पे पैर लगते थे और स्क्रैच लग जाते थे। हमारी दूसरी वाली गाड़ियों में तो यही दिक्कत है। कोई नहीं, इसके बाद उनकी भी समस्या खत्म हो जाएगी, उनकी भी कर देंगे खत्म। अब ये हो गया यहाँ पे परमानेंट इलाज इसका। और ये दिमाग में जब आया था जब वो वाला भाई शीशे काले कर रहा था इसके, वो यहाँ पे पैर रख के बैठे हुए थे इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पे स्क्रैच पड़ भी गया। ये देखो स्क्रैचों की वजह से ही मैं इसको ब्लैक करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इससे ये चीज़ सिक्योर हो गई यार। तो दोस्तों अपनी कार के अंदर जो स्टीकर का काम था सारा का सारा हो गया, और भाई ने सारा काम कर दिया, और भाई की फिनिशिंग यार नो डाउट काफ़ी अच्छी, क्योंकि मैं काफ़ी पहले से भाई को फॉलो करता आ रहा हूँ। आज पहली बार मुझे मौका मिला भाई के साथ वीडियो बनाने का, कैमरा शेयर करने का। जो आपने वीडियो देखी थी जिसके अंदर मैंने कि जितने भी स्टीकर लगाए थे वो डस्टर में लगाए थे, केवी में लगाए थे, और भी कुछ गाड़ियों में लगाए थे, लेकिन वीडियो में आपने वही देखी थी, बुलेट के भी स्टीकर आपने देखे होंगे, वो सारे भाई ने ही बनाए थे। भाई कितना टाइम हो गया आपको ये सभी चेकिंग वगैरह करते हुए? लगभग 15-16 साल के लगते हैं। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी स्टीकर हो, किसी भी तरीके का, सब ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी हो, किसी को मोबाइल से भी बनवाना हुआ। अच्छा किसी को भाई इतने सारे काम करवाने हो तो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? कॉन्टैक्ट के लिए हमारा मोबाइल नंबर है और दुकान का कार्ड है। कार्ड तो मैं सब कुछ कर ही दूंगा, यहाँ पे भी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी मेरे है प्रजापति प्रवीण 41 के नाम से, प्रजापति प्रवीण 41 के नाम से, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये मतलब आपकी शॉप ये रेड टेप के शोरूम के बिल्कुल सामने है? जस्ट रेड टेप के शोरूम के सामने है। एरिया का नाम बताया तो ये लोनी पड़ेगा, लोनी बलराम नगर पड़ता है, कहीं से बंदा आएगा तो शॉप तो इजीली मिल जाएगी। मुझे तो पर्सनली काम काफी अच्छा लगा। आपको एक काम कैसा लगा, स्टीकरिंग कैसी लगी, भैया का काम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी वीडियो में फ्रेश फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।